नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों, आज हम ऑल जीके के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सोने के सिक्के हैं, सबसे पहले किसने चलाए, किसके शासनकाल में शुद्ध सोने के सिक्के चले, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले, इन सभी के साथ हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे तो किसने किए थे? हिंदू यूनानी ने, ठीक है दोस्तों, इंडो यूनान भी कहते हैं इन्हें, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश, ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। बस आपको दोस्तों इतना सा ध्यान रखना है सोने के सिक्के के बारे में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी की गई थी? तो गुप्त काल में। दोस्तों, आपको बस इतना सा याद रखना है कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने, ठीक है दोस्तों, हिंदू यूनानियों ने। और जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात करो तो सर्वाधिक शुद्ध सोने कुषाण ने, और जो जो सर्वाधिक मुद्राएं जारी करने वाला शासक तो गुप्त वंश था, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा आपको क्लियर रखना है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो शीशे के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो शीशे सातवाहन शासन में, शीशे सातवाहन शासकों द्वारा, ठीक है दोस्तों, बस क्लियर हो जाएगा, शीशे से सातवाहन, ठीक है दोस्तों। तो शीशे के सर्वाधिक मुद्रा किसके शासनकाल में चली थी? तो सातवाहन वंश के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है, जो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बस आपको क्लियर हो जाएगा, चांदी से चंद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों, चांदी से चंद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी, ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य भी कहा जाता था, किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने ढाला था? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। जो रुपए के सिक्के थे वो सबसे पहले किसके शासनकाल में आए थे? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। आना का सिक्का किसने द्वारा चलाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आना पहले के ज़माने में जो आना चलते थे उनके उनकी बात हो रही यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनी थी? तो किसके शासनकाल में? कुषाण वंश के शासनकाल में। दोस्तों, कुषाण वंश सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश था, ठीक है दोस्तों। और इसी के काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कुषाण वंश की प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का जो प्रतीक प्रसिद्ध शासक था, ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, ठीक है दोस्तों। और इसी के शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चले थे, किस? कुषाण वंश के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मूर्तियों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण कावा में, ठीक है दोस्तों, कुषाण कावा में। तो मूर्तियों का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में? तो कुषाण कावा के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। और जो बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा का प्रतिमा किस काल में बनी थी? तो निर्माण कब हुआ था? तो कुषाण वंश के का शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो बात करें सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में होता? गुप्त काल में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों, जो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था? तो चोल वंश के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। मंदिर निर्माण कला में विद्वान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासनकाल में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में, ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में
हुआ था किसका, दशमलव प्रणाली का, ठीक है दोस्तों। और जीरो का आविष्कार बता दो, तो जीरो का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है, भारत, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।